बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसी लर्निंग टीम की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर ATS टेस्ट की पार्ट 2 के साथ। हमारे पास यहाँ पर ये इंग्लिश पोर्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। तो यहाँ पर पहला वर्ड दिया गया है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब खातिमा के है। इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा इरेज। इरेज के मानी भी खातिमा की है, जबकि पहला ऑप्शन डिसअपियर गायब होना ये मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नलीपाई का मतलब मुस्तरद करने के है, जबकि ऑप्शन नंबर डी बेल्ट, बेल्ट बनाना। तो बेल्ट वर्ड जो है इसका ये एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 2 है नोवाइस। नोवाइस व्यूअर्स नए बंदी, यानी उस बंदे को कहा जाता है जिसका किसी काम में तजर्बा ना हो, जो नया हो। तो यहाँ पर अनअवेयर, अनजान, ये ऑप्शन ठीक बनता है, ये इसका सिनोनिम है, जबकि ऑप्शन नंबर बी एक्सपीरियंस यानी तजुर्बाकार, ये इसका एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 3 है एबोर्टियो। एबोर्टियो का माना नाकाम होने के है। तो यहाँ पर वीपन, औजार, ये गलत है। वार्निंग, ये भी गलत है। अनसक्सेसफुल, नाकाम, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है रेडिकुलस। रेडिकुलस व्यूअर्स मजाक या मजेक खेज बात को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा पनी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट दोस्तों उस शख्स को कहा जाता है जो कि सोशल हो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम सोशलेबल बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के मानी व्यूअर्स मुस्तहकम करने, मजबूत करने या मुंजमित करने के है। तो कंसोलिडेट का करेक्ट सिनोनिम बनेगा स्ट्रेंथन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब आगे की हमारे पास GMCQs, ये एंटोनिम्स है। यहाँ पर इन अल्फाज का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड तलाश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिसमेंटल। डिसमेंटल के मानी व्यूअर्स किसी चीज़ को पारा पारा करना या टुकड़ा टुकड़ा करने के है। तो इसका करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन नंबर डी है बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी दोस्तों बदहाली को कहा जाता है। एडवर्सिटी का एंटोनिम प्रॉस्पेरिटी बनेगा। प्रॉस्पेरिटी की मानी खुशहाली की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, ये दो वर्ड्स अक्सर टेस्टों में रिपीट हो रहे हैं। पेसिमिस्टिक मायूस को कहा जाता है, जबकि ऑप्टिमिस्टिक उम्मीदाना को कहा जाता है। तो यहाँ पर पेसिमिस्टिक का एंटोनिम्स होपफुल बनेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है लीनियंट। लीनियंट दोस्तों नरम मिजाज को कहा जाता है। यहाँ पर इसका एंटोनिम बनेगा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट के माने सख्त मिजाज की है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है रेक। रेक के माने टूटा फूटा या तबाह के है। तो रेक का अपोजिट वर्ड बनेगा बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास पॉसिटी। पॉसिटी दोस्तों कमी को कहा जाता है। पॉसिटी का एंटोनिम्स बनेगा सरप्लस। सरप्लस के माने है यानी जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा को सरप्लस कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कंप्यूटर ऑपरेटर ATS टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और इसके साथ साथ हमारी चैनल UC लर्निंग ट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।